After Tata brought Nexon EV, अब बारी थी महिंद्रा की sub-4 meter space में अपनी electric SUV को लेकर आने की, and here it is, ladies and gentlemen, the Mahindra XUV electric. So unlike Tata, जिन्होंने Nexon के साथ में एक ट्रेडिशनल लुकिंग SUV, मतलब जो Nexon रेगुलर है उसके जैसा ही लुक मेंटेन किया है, यहाँ पे Mahindra ने इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक ही रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में यू डोंट हैव टू हैव द रेडिएटर ग्रिल, क्योंकि आपके पास में इंजन ICE टेक तो है नहीं, तो एयर डैम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए दे हैव गॉन विद दिस फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, जहाँ पर आपको ये एक्स वाला जो शेप है बहुत जगह पे दिखाई दे रहा है। ब्लू एक्सेंस जो है उनको बहुत जगह इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए ब्लू एक्सेंस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू एक्सेंस का इस्तेमाल हुआ है। पर सबसे शानदार चीज़ जो यहाँ पे आपको फ्रंट में नजर आएगी वो इसकी हेडलैम्प, ये डायमंड टाइप का शेप है, 4 आपको ये दिए गए हैं। इनफैक्ट ये वाला जो है वो टर्न इंडिकेटर के जैसे भी काम करता है, यू कैन सी दैट राइट नाउ, एंड हैजार्ड लैम्प के जैसे भी काम करता है। सो इन शॉर्ट ये लोग फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही गए हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक कार्स को अभी भी फ्यूचर कार्स के जैसे ही देखते हैं। अगर आप गाड़ी को साइड से देखेंगे तो एक्चुअली लंबाई के मामले में ये XUV300 के जितनी ही है, मतलब 4 मीटर से कम लेंथ की है, पर जो ब्लू आपने हाईलाइट्स फ्रंट में देखी थी वो यहाँ पर भी कंटिन्यू की गई है, बहुत जगह पे आपको ब्लू नजर आने वाला है। यहाँ पे ये ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ORVM नहीं है, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज पे है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा लगाया गया है, प्रोडक्शन मॉडल में ऑफकोर्स वो चेंज किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लाइक है। अगर आप व्हील्स की बात करेंगे तो वो एक्चुअली सेम ही होने वाले हैं जो रेगुलर आपको XUV300 में मिलते हैं, या हो सकता है एक साइज अप या डाउन हो जाए, फाइनल मॉडल में क्या होगा अभी तक कुछ पता नहीं है, बट मोर और लेस अभी वही के वही आपको टायर्स मिलते हैं। ये व्हील कैप है, एक्चुअली ये एलॉय नहीं है, इसे व्हील कैप लगाया गया है, और यहाँ पर भी ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, तो ये चेंज होगा, आपको एलॉय व्हील जो है प्रोडक्शन मॉडल में डेफिनेटली मिलने वाला है, और ब्लू का इस्तेमाल आपको रूफ रेल जो है वहाँ पर भी नजर आ रहा है, एंड द सेम ब्लू थीम कंटिन्यूज हियर एज वेल, वही ब्लू का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस वाइट कलर पे एक्चुअली काफ़ी सटल लग रहा है। अंदर भी अगर आप देखेंगे टेल लैम्प के, तो यहाँ पर भी ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, जो डायमंड शेप हमने हेडलैम्प देखा था उसी का छोटा फॉर्म आपको यहाँ पर रेड में दिया गया है। जब फाइनल मॉडल होगा तो हो सकता है उसे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, और एक्चुअल जो बल्ब्स हैं या फिर LEDs हैं उनका इस्तेमाल हो। ये जो LEDs हैं ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये बीच बीच में जलती है तब बहुत अच्छी लगती है, नज़र आती है। बाकी अगर आप बम्पर की बात करेंगे तो बम्पर जो है वो आपको डुअल टोन टाइप का दिया गया है, यहाँ पर भी ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ये ऑफकोर्स मैट ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है, और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर आपको मिलता है, स्टॉप लैम्प जो आपको ट्रेडिशनल कार में मिलता है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। बट ओवरऑल इस व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी काफ़ी अलग नज़र आती है, एक अलग आइडेंटिटी इसने बना ली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये XUV300 पर बेस्ड है, और उसके बाद भी एक अलग स्टैंड आउट करती है, दूर से आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिक कार है। और अब चेकआउट करते हैं महिंद्रा e-XUV300, मतलब XUV300 इलेक्ट्रिक के इंटीरियर। तो जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको कई सारी सिमिलैरिटीज़ लगने वाली है, मतलब जो लेआउट है ओवरऑल वो आपको जो रेगुलर XUV300 है वैसा ही लगने वाला है, बट कुछ कलर कॉम्बिनेशन के साथ में प्ले किया गया है। जो ब्लू हाईलाइट फ्रंट में आपने देखी थी और बाकी जगह भी बॉडी पैनल्स में आपने देखी थी, वही ब्लू हाईलाइट्स आपको इंटीरियर में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो AC वेंट के चारों तरफ आपको ब्लू हाईलाइट्स नज़र आती है। उसके अलावा सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सीट्स में भी ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC वेंट जो साइड वाले हैं वहाँ पर भी आपको ब्लू का इस्तेमाल नज़र आता है, और कुछ एक चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये नया लग रहा है। ये यूनिट जो है ये कम्प्लीटली नई है, हालाँकि ये अभी चलती हुई कंडीशन में नहीं है और हम इसे देख नहीं सकते हैं कि टच रिस्पॉन्स कैसा है, बट ऐसा सा ही जो उसका लेआउट होगा वो वैसा होगा, जो कि फ्लोटिंग टाइप आपको इफेक्ट दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा AC कंट्रोल के जो सारे के सारे बटन्स है वो आपको सिमिलर लगेंगे XUV300 के। यहाँ पे हालांकि आपको वायरलेस चार्जिंग जो है अब दी गई है, विच आई थिंक इज़ अ नाइस टच, और क्योंकि इलेक्ट्रिक है और हम फ्यूचर से एसोसिएट करते हैं तो ये सब फीचर हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर एक 12V पावर सॉकेट के लिए आपके लिए दिया गया है, एक सिगरेट लाइटर के लिए शायद ये जगह छोड़ी गई है जो कि बाद में दे दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गियर लीवर है, गियर लीवर भी जो है ये अलग तरीके का आपको नज़र आने वाला है, मतलब आपने एक्सपेंसिव कार्स में देखा होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसके अंदर ऑफकोर्स ट्रांसमिशन जो होता है वो भी ऑटोमेटिक ही होता है, तो वैसा सा ही दिया गया है। हालाँकि अभी लग रहा है कि थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन फॉर्म है, इसकी फिनिशिंग होना अभी थोड़ी बाकी है। आपको पहले ही बता दूं कि ये प्री प्रोडक्शन है, इसमें अभी थोड़े और बदलाव फिनिशिंग वगैरह होनी ज़रूरी है। अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्चुअली बदलाव किया गया है, ये अभी प्री प्रोडक्शन में है अगेन, चालू कंडीशन में नहीं है, बट ऐसा सा कुछ लेआउट है जो आपको नजर आएगा जब फाइनल मॉडल आएगा। और आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि सनरूफ यहाँ पे दिया गया है जो कि रेगुलर मॉडल में भी आपको मिलता है। ऑफकोर्स ऑटो डिमिंग IRBM जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब फीचर लोडेड है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो आप एक रेगुलर कार में ढूंढते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। प्लस कुछ नए टचेस हैं, कुछ नए हाइलाइट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक मॉडल स्पेसिफिक मिलेंगे, मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल में मिलेंगे। अब अगर आप इसके रियर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो रेगुलर XUV300 वाला ही है। सिर्फ सीट का फैब्रिक जो है, मतलब ये जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ब्लू का इस्तेमाल जो हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आता है। बाकी थाई सपोर्ट बिल्कुल वैसी की वैसी है। नी रूम और लेग रूम पहले भी कमी नहीं थी, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV वाला जो रेगुलर वर्जन है उसमें भी और इसमें भी आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हेडरूम भी जो है वो ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बेहतर हो सकता है, वो XUV300 में भी हमें लगता है, वो यहाँ पर भी हमें नज़र आता है। अच्छी बात यह है कि जो 3 पैसेंजर्स यहाँ पे अगर बैठ रहे हैं तो तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है। आई थिंक दैट्स अ नाइस टच। हालांकि जैसा कि XUV300 में रियर एसी वेंट मिसिंग है, यहाँ पर भी वो मिसिंग है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये एक ठीक ठाक प्राइस वाली व्हीकल होने वाली है। तो यहाँ पर रियर एसी वेंट दे दिया जा सकता था, मतलब जब ये लॉन्च होगी तो ये अच्छे खासे प्राइस पर आएगी, तो ये एक फीचर मेरे हिसाब से होना चाहिए था। अभी जो आपने महिंद्रा XUV300 देखी है, अब उसके कंपोनेंट और जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में जान लेते हैं। महिंद्रा ने इन हाउस डेवलप किया है, विच आई थिंक इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि महिंद्रा बहुत ही एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में और लगभग हर चीज़ वो आज इन हाउस बना रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसको महिंद्रा बुलाती है MESMA 350। और महिंद्रा का कहना है कि जो MESMA आर्किटेक्चर है वो स्केलेबल है और अगर किसी और को भी वो खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। अब सीधे इस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। e-XUV300 का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा है, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली बेस है, प्लेटफॉर्म है। आपने यूजुअली जो और इलेक्ट्रिक कार्स देखी होंगी उसमें फ्लैट बोर्ड आपको डिज़ाइन मिलती है, मतलब ये फ्लैट होता है और इसी पे यहीं पर बैटरीज जो होती हैं ये पूरी फिट हो जाती है। यहाँ पर बैटरीज को एक्चुअली यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, डिज़ाइन को थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है जो कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा अच्छे से मदद करता है, इसी वजह से ये ऐसा आर्किटेक्चर इसका रखा गया है। और ये अनलाइक एनी अदर इलेक्ट्रिक कार्स जो हमने अभी तक देखी है, ऐसा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा अनयूजुअल है। अभी कितने सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं वो तो बाद में पता पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन हाउ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी। और अगर आपको नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स चलती कैसे हैं, तो वो जो मैंने आपको बैटरी अभी दिखाया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बैटरीज फिट की गई हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो। उसके बाद में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा का पूरा ये मोटर है, ये सिंगल मोटर है जो दोनों के दोनों फ्रंट व्हील्स जो हैं उनको पावर देती है, उसी बैटरी से पावर ये लेती है और इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों के दोनों टायर्स में, इसीलिए फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है। साथ में अगर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब चाहे आपका AC यूनिट वाला सारा काम हो या सारे इलेक्ट्रिकल जो आपकी लाइट्स वाइट्स हैं वो सारा का सारा जो है वो इसके अंदर होता है। और जो हम ट्रेडिशनल कार्स में ECU देखते हैं उसकी जगह यहाँ पे महिंद्रा ने VCU यूज़ किया है। ये टॉप जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली दिमाग है जो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसर्स से कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्ट करता है पूरी की पूरी कार को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो ये है कि जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको फ्रंट में दिए गए हैं, इंस्टेड आप यूजुअली रेयर में देखते हैं। अब प्रोडक्शन मॉडल में क्या होता है नहीं होता है हमें पता नहीं है, बट जो कार वहाँ पे खड़ी जो मैं आपको अभी दिखा रहा था उसके अंदर जो फ्यूल कैप है वो पीछे की तरफ लगाई गई है, तो ये लोग अभी फिगर आउट कर रहे हैं। बट फ्रंट का ये जो सेटअप है ये काफ़ी अनयूजुअल है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो ऊपर आपको 2 पोर्ट दिए गए हैं, मतलब 2 पोर्ट दिए गए हैं, इसमें जो ऊपर वाला पोर्ट है ये AC चार्जर का है जो आप अपने घर पे लगा पाएंगे, मतलब यहाँ पे प्लग इन करेंगे और 15 amp का जो आपका सॉकेट होगा उसमें लगा सकते हैं और वो स्लो चार्ज करता है। ऑफकोर्स ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये DC फास्ट चार्जर का है जो कि चार्जिंग स्टेशन अगर है वहाँ से आप करवा पाएंगे। अब आखिरी सवाल कि कब होगी ये लॉन्च और क्या इसमें बैटरी पैक आपको मिलने वाला है, कितनी बड़ी आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी। तो लॉन्च जो है वो मोस्ट लाइकली इस साल के एंड तक हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल मॉडल है तो महिंद्रा इसे ग्लोबली भी लॉन्च करने वाली है। आपको याद होगा सांगयोंग टिवोली पर ही बेस्ड XUV300 थी, हो सकता है कि उसके नाम से बेचे, हो सकता है महिंद्रा के नाम से बेचे, इट्स एंटायरली अप टू देम। बट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्होंने अभी तक रिवील नहीं की है वो ये है कि एक स्मॉल रेंज वाला होगा, मतलब एक लो रेंज वाला होगा, लो रेंज भी एक्चुअली अच्छी खासी होगी, और एक हाई रेंज वाला होगा। तो जो लो रेंज वाला मॉडल है उसके साथ में आपको 40 kWh की बैटरी मिलने वाली है जो कि लगभग आपको 300 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी, विच इज़ इक्वलेंट टू व्हाट टाटा नेक्सॉन ईवी ऑफर्स यू। बाकी जो हाई रेंज वाला मॉडल है उसके साथ में महिंद्रा 60 किलोवाट आर की एक बैटरी आपको ऑफर कर सकता है। 60 किलोवाट आर की बैटरी का मतलब है कि ईजिली 400-450 किलोमीटर की रेंज, 450 किलोमीटर की रेंज आप अचीव कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो इन हाउस डेवलप हुआ है। सिर्फ एक चीज़ जो बैटरी सेल्स हैं, जो एक लीड माइन बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेल्स जो हैं वो महिंद्रा ने LG से सोर्स किए हैं। इंडिया में सिर्फ इकलौती कंपनी है महिंद्रा जिसके साथ में LG अभी काम कर रहा है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी महिंद्रा e-XUV300। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं इसमें एड्रेस कर पाया हूँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।